हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर लेसन। सो आज हम करने जा रहे हैं दुआ सॉन्ग, संग बाय मनन भारद्वाज। तो बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग है, बहुत प्यारी सी कंपोजिशन है। तो आज यूकुलेले पे हम सारा वो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे इसको प्ले करना है। बेसिकली इसमें जो कॉर्ड्स हैं सबसे पहले मैं वो बताऊंगा, देन इसका स्ट्रमिंग पैटर्न भी बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो सॉन्ग है ये बेसिकली ई माइनर स्केल में है। सो इसलिए जो 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 कॉर्ड्स इसमें यूज़ हो रहे हैं वो है फर्स्ट कॉर्ड, जैसे ई माइनर। उसके बाद इसमें सी मेजर कॉर्ड यूज़ हो रहा है, इसमें डी मेजर कॉर्ड यूज़ हो रहा है, और इसमें जी मेजर कॉर्ड यूज़ हो रहा है। बस यही फोर कॉर्ड्स हैं जो इसमें बेसिकली यूज़ हो रहे हैं। तो स्टेप बाय स्टेप अभी हम देखेंगे कि कौन सी लाइन के ऊपर कौन सा कॉर्ड आएगा, और उसके बाद मैं आपको स्ट्रमिंग पैटर्न भी बताऊंगा कि इसमें कौन सा स्ट्रमिंग पैटर्न लगना है। ओके, सो फर्स्ट लाइन है, पत्थर को अपना समझकर, ई माइनर से स्टार्ट होएगा, पत्थर को अपना समझकर, एक एक आ जाएगा सी मेजर कॉर्ड पे, एक शीशा टूट गया। उसके बाद जो सेकंड लाइन है वो चला जाएगा अपना डी मेजर कॉर्ड पे, एक सूने रस्ते पर, वो अपना डी मेजर कॉर्ड पे रहेगा, एक सूने रस्ते पर हाँ। उसके बाद मैं अकेला छूट गया, वो आ जाएगा सी मेजर पे। ओके, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, ई माइनर से स्टार्ट होएगा, पत्थर को अपना समझकर, एक शीशा टूट गया सी मेजर, उसके बाद डी पे चला जाएगा, एक सूने रस्ते पर हाँ मैं अकेला छूट गया, सॉरी यहाँ पे सी मेजर कॉर्ड। ओके, सो जो नेक्स्ट लाइन है वो जो स्टार्ट होगी वो हो जाएगी जी मेजर कॉर्ड से। तो कैसे है वो, लग जाती है आग जहन पर, वो आ जाएगा अपना जी से, लग जाती है आग जहन में जब जब बारिश होती है, तो वो चला जाएगा डी मेजर पे। ठीक है, एक बार फिर से बताता हूँ, जी से स्टार्ट होएगा, लग जाती है आग जहन में जब जब बारिश होती है, वो चला जाएगा डी पे। ओके, पहले जी है देन फिर डी है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन, रोज सोता हूँ ये सोचकर, डी से ही रहेगा, शायद आखिरी रात हो, ये चला जाएगा सी मेजर कॉर्ड पे। ओके, एक बार फिर से मैं सारा समझा देता हूँ, जी से स्टार्ट होगा, लग जाती है आग जहन में जब जब भी बरसात हो, डी मेजर। उसके बाद फिर से डी मेजर पे ही रहेगा, रोज सोता हूं ये सोचकर शायद आखिरी रात हो, ये चला जाएगा सी पे। ओके, शायद शायद आखिरी रात हो, ठीक है, सी मेजर। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है वो चली जाएगी अपना ई मेजर, ओ सॉरी ई माइनर पे, मैं दुआ करूंगा अल्लाह से, ई माइनर से स्टार्ट होगा, मैं दुआ करूंगा अल्लाह से, उसके बाद चला जाएगा सी मेजर पे, मेरी मौत तेरे हाथ हो, मौत पे चला जाएगा, ठीक है, सी पे। फिर से ई माइनर, मैं दुआ करूंगा अल्लाह से, मेरी मौत तेरे हाथ हो, उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है वो चला जाएगा डी मेजर पे। ओके, डी मेजर पे, और अगले जन्म में, फिर से मेरी डी पे आ जाएगा, और अगले जन्म में फिर से मेरी आशिक वाली जात हो, सी मेजर पे। ठीक है, सो मैं दुआ करूंगा अल्लाह से, मेरी मौत तेरे हाथ हो, और अगले जन्म में फिर से मेरी आशिक वाली जात हो। ओके, तो बस यही चार कॉर्ड्स थे जो यहाँ तक यूज़ हुए हैं। तो इसमें जो स्ट्रमिंग पैटर्न यूज़ होगा वो भी मैं बता देता हूँ अभी। बड़ा इजी सा स्ट्रमिंग पैटर्न है, इसमें आपने कुछ ज़्यादा नहीं, बस पैटर्न को समझना है कि है क्या। डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप। तो पैटर्न ये है, इसको प्ले कैसे करना है वो सॉन्ग के साथ मैं आपको बता देता हूँ। मैं दुआ करूंगा अल्लाह से, मेरी मौत तेरे हाथ हो, और अगले जन्म में फिर से मेरी आशिक वाली जात हो, मैं दुआ करूंगा अल्लाह से, मेरी मौत तेरे हाथ हो, और अगले जन्म में फिर से मेरी आशिक वाली जात हो। ओके, तो बड़ा इजी सा पैटर्न भी है और बड़ा इजी से कॉर्ड्स हैं, ये बेसिक कॉर्ड्स हैं। हम आप लोग इसको जानते ही होंगे, जिसने भी ये यूकुलेले किया है तो उसमें बेसिक कॉर्ड्स
यही सी ए माइनर एफ जी डी ई माइनर ये सब चलते हैं। बार पोजीशन में है तो इतना टफ नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसे पूरी पोजीशन नहीं लगा सकते हो, आप फर्स्ट फिंगर यहाँ पे रख सकते हो और बाकी जैसे हम माइनर का कॉर्ड लगाते हैं, जैसे यहाँ पे डी माइनर है, तो इसी को हमने आगे स्लाइड किया और फर्स्ट फिंगर जो है वो हमने सेकंड फ्रेट पे रखी हुई है। ओके, वैसे ई माइनर हम यहाँ पर भी प्ले कर सकते हैं। अगर आप देख पा रहे हो तो सेवन्थ फ्रेट में मेरी बार पोजीशन है और नाइन्थ फ्रेट पे मैंने ये अपनी रिंग फिंगर थर्ड फिंगर को रखा हुआ है सबसे ऊपर वाली स्ट्रिंग पे, तो ये भी ई माइनर है। अगर आप ये प्ले कर पाओ या वो प्ले कर पाओ, जैसा भी आपको ठीक लगे अकॉर्डिंगली। ओके, तो बस इस सॉन्ग में इतना ही है, बाकी इसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ है वो इतना मुझे नहीं ठीक लगा, तो मैंने सिर्फ स्थाई पार्ट को, जो मेन हुक लाइंस है वो ज़्यादा अच्छी लगी, तो मैंने वही आपको बताना ठीक समझा। तो अगर आपको और भी मेरी वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि और कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, तो मैं उसके ऊपर बना दूंगा। बाकी आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं जिसमें कि बहुत सारे मेरे गिटार कवर सॉन्ग्स हैं, गिटार लेसन्स हैं, उनको आप चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ जो मैं डालता रहूँ वो आपको अपडेट्स मिलती रहें, शॉर्ट्स में भी और लॉन्ग वीडियोज़ में भी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।